Like a Hellcat. हाय स्टूडेंट, मैं सुरजीत जाखड़। आज हम लोग अपने नए टॉपिक के साथ आए हैं। स्टूडेंट, आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा पावर। हम लोग पावर के बारे में डिस्कस करेंगे और आज मैं आपको एक पावर बताऊंगा। जो पावर रहेगी वो रेजिस्टेंस की पावर होगी। तो हमारा टॉपिक रहेगा पावर ऑफ द रेजिस्टेंस या पावर कंज्यूम्ड बाय द रेजिस्टेंस। हम लोग बोलेंगे, आपको ध्यान से सुनना है। देखिए स्टूडेंट, अगर मैं पावर की बात करता हूँ, ठीक है ना, रेजिस्टेंस, पावर ऑफ द रेजिस्टेंस हम लोग कैसे यूज करेंगे, आपको ध्यान से सुनना है। तो स्टूडेंट, एक चीज आप लोग जानते हैं कि हमारे पास रेजिस्टेंस में जो करंट और वोल्टेज का मोमेंट सेम फेज में होता है। एलसीआर में हम लोगों ने पढ़ा था, इंडक्टर का वोल्टेज आगे चल रहा था, कैपेसिटर का वोल्टेज पीछे चल रहा था, लेकिन रेजिस्टेंस का वोल्टेज सेम चल रहा था, लाइन हो रहा था हमारे पास। उसी के बेस पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ पावर। ठीक है स्टूडेंट, आप सभी जानते हैं हमारे पास जो ईएमएफ का रिलेशन जो रहेगा वो रहेगा ई नॉट साइन ओमेगा, ये हमने पढ़ा है। और इंस्टेंटेनियस वैल्यू जो करंट की होती है वो हमारे पास क्या रहेगी, साइन ओमेगा। ये दोनों इंस्टेंटेनियस वैल्यू है ईएमएफ की, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द करंट आपको याद रखना है। जैसे कि आप लोग जानते हैं पावर, पावर हमने ये पढ़ा, देखिएगा यहाँ मैंने लिखा पावर को वर्क बाय टाइम। वर्क आप लोग जानते हैं वी आई टी, वोल्टेज इंटू करंट इंटू टाइम, वर्क डिवाइडेड बाय टी, मैंने कैंसिल किया तो पावर हमारे पास क्या बनेगा, वी इंटू आई, हमने यहां से पावर लिखा। अब मैंने कहा था एक जगह कि वोल्टेज और ई एम एफ दोनों इक्विवेलेंट होते हैं, दोनों पोटेंशियल डिफरेंस होते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी और वोल्टेज भी, दोनों होते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन फर्क क्या होता है, ओपन और क्लोज लूप का फर्क होता है, हमने एक वीडियो के अंदर डिस्कस किया था। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखिएगा यहां से अगर मैं लिखता हूं तो पावर इज इक्वल टू ई इंटू आई, मैंने ये लिखा पावर को, जैसे वी इंटू आई की जगह मैंने क्या लिखा, ई इंटू आई, ई एम एफ इंटू करंट। लेकिन जैसे कि आप लोग जानते हैं इसको मैं क्या लिख सकता हूं, पावर इज इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई डी टी। पावर क्या हो गया, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, डी डब्ल्यू बाई डी टी इज इक्वल टू पावर। अगर मैं यहां से स्टूडेंट देखिएगा, डी डब्ल्यू अगर मैं फाइंड आउट करता हूं तो ये डी टी मल्टीपल हम लोग करेंगे तो क्या होगा, ई इंटू आई इंटू डी टी हमारे पास यहां चला जाएगा, क्योंकि मैंने पावर को लिखा डी डब्ल्यू बाई डी टी। अगर डी डब्ल्यू निकालता हूं वर्क डन में फाइंड आउट करूंगा तो डी टी मल्टीपल में चला जाएगा, ई इंटू आई इंटू डी टी। अब देखिएगा हमें क्या करना है, अब मुझे इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन। देखिएगा पावर के अंदर पूरा लूप काम करेगा, और आप जानते हैं पूरा लूप जो होता है उसका टाइम इंटरवल हमारे पास क्या रहता है, जीरो से टी, पूरा टाइम इंटरवल टी के ऊपर एक साइकिल हमारी कंप्लीट हो जाती है। तो मैं जो इंटरवल यहां से दूंगा जीरो से टी। अब आप जानते हैं इंटीग्रेशन का रूल है, जिसका दुनिया में कोई नहीं होता उसका डब्ल्यू होता है, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन डब्ल्यू, डी एक्स का एक्स और डी वाई का वाई। तो यहाँ हमारे पास क्या होगा, डी डब्ल्यू को इंटीग्रेट किया तो हमारे पास आ गया वर्कडन आ गया। E की वैल्यू आप लोग पुट करेंगे तो क्या होगा, E नॉट साइन ओमेगा टी, और I की जगह क्या लिखेंगे, I नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू डी टी, हमने वैल्यू पुट कर दी दोनों की। ये इंटीग्रेशन का सिंबल जीरो से टी। स्टूडेंट जैसे कि हम लोग जानते हैं हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से E नॉट I नॉट कॉन्स्टेंट क्वांटिटी बाहर आ जाएंगी, तुम्हारे पास क्या बचेगा, साइन स्क्वेयर ओमेगा टी इंटू डी टी हमारे पास आ जाएगा, जीरो से टी आ जाएगा। बात आपको याद रखनी है, E नोट I नोट और साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी आप जैसा कि जानते हैं। लेकिन स्टूडेंट यहाँ हमारे पास इसका इंटीग्रेशन फॉर्मूला कुछ भी नहीं होगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी हमारे पास इंटीग्रेट नहीं होगा, तो मैं इसको ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटी के अंदर फॉर्मूला लगा के मैं इसको बदल दूंगा। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, यह रहेगा हमारे पास E नोट I नोट, इसका फॉर्मूला वन माइनस कॉस ऑफ टू ओमेगा टी बाय टू इंटू डी टी। तो स्टूडेंट मैं इसको ऐसे लिखूंगा, याद रखना है साइन स्क्वायर को मैंने किसमें कन्वर्ट कर दिया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगाया, वन माइनस कोस ऑफ टू ओमेगा टी बाय टू। अब देखिएगा ऐसे में टू को आउटसाइड निकाल लूंगा तो मेरे पास क्या होगा, ये होगा ई नोट आई नोट बाय टू जीरो से टी। अब देखिएगा टू आउटसाइड आ गया तो हमारे पास क्या बचेगा, वन इंटू डी टी अलग से इंटीग्रेट होगा और इसका माइनस कोस ऑफ टू ओमेगा टी जीरो से टी, इसको अलग से हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। आपको याद रखना है, सिंपल सी बात है स्टूडेंट ये। अब देखिएगा आगे मैं इसको कैसे डिफाइन करूंगा, आपको ध्यान से सुनना, मैं इसको प्री डिफाइन कैसे करूंगा। अब यहां से देखिएगा हमारे पास, अब हमारे पास वर्क डन जो यहां से रहेगा वो रहेगा E नोट I नोट बाय टू, ये वर्क डन हो गया भाई। अब देखिएगा वन का इंटीग्रेशन, मैंने कहा जिसका दुनिया में कोई नहीं होता उसका टी होता है, इंटीग्रेशन का रूल है ये। तो
तो यहाँ से dt का इंटीग्रेशन जो रहेगा वो क्या रहेगा हमारे पास, ये हो जाएगा t टाइम इंटरवल 0 से t। अब यहां से देखा cos 2 ओमेगा t, इसका इंटीग्रेशन हमारे पास क्या रहेगा, मैं इसको थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो देखिए मैंने लिखा w, ये हमारे पास क्या रहेगा e नोट i नोट बाय 2, और यहां से देखिएगा dt का इंटीग्रेशन क्या रहेगा, इसको मैं लिखूंगा t इंटरवल 0 से t। अब देखिए cos 2 ओमेगा t का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या रहेगा, इसका जो रहेगा हमारे पास वो रहेगा sin 2 ओमेगा t बाय 2 ओमेगा। देखिएगा इंटीग्रेशन के अंदर इस t के साथ जो भी मल्टीपल में होगा वो डिवीजन में आएगा, जो क्वांटिटी हमारे पास होगी इंटीग्रेशन ऐसा बोलता है, तो मैंने लिखा 0 से t। अब देखिए स्टूडेंट यहां से मैंने क्या लिखा, वर्क डन e नोट i नोट बाय 2, ठीक है ना, ये लिखा। अब देखिएगा एक बार मैंने क्या करना है, एक बार t की जगह अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, रूल कहता है हमारे पास अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो एक बार इस t की जगह मैं ये वाला t रखूंगा t, और एक बार ये रखूंगा 0, ऐसे ये 1 बाय 2 ओमेगा आउटसाइड आ जाएगा हमारे पास, ये मैंने बाहर लिखा 1 बाय 2 ओमेगा। अब इसमें t की जगह एक बार क्या रखेंगे, साइन ऑफ 2 ओमेगा t अपर लिमिट और माइनस साइन ऑफ 0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मैंने ये फॉर्मूला यहाँ पे रख दिया, आपको याद रखना है। अब स्टूडेंट यहाँ वर्क डन जो रहेगा e नोट i नोट बाय 2, ये बच गया t। अब देखिएगा 1 बाय 2 ओमेगा, 1 बाय 2 ओमेगा। अब आप जानते हैं ओमेगा t की जगह मैं क्या लिखूं, आप सभी ये जानते हैं ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई नीटा होता है, और ओमेगा निकालेंगे 2 पाई नीटा हो गया 1 बाय t, अगर मैं मल्टीपल करता हूं तो ओमेगा t इज इक्वल टू 2 पाई। तो जहां भी ओमेगा t है मैं क्या पुट कर सकता हूं, 2 पाई पुट कर सकता हूं। तो मैंने यहां क्या लिखा, साइन ऑफ 2 इंटू ओमेगा t की जगह 2 पाई और माइनस साइन 0, याद रहेगा। और जैसे कि आप सभी जानते हैं साइन n पाई जो होता है हमारे पास वो क्या होता है, साइन n पाई 0 होता है, साइन पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई सारे 0 होते हैं। तो ये हमारे पास जो वर्क डन जो रहेगा e नोट i नोट बाय 2, यहां से बचेगा t माइनस 1 बाय 2 ओमेगा, साइन n पाई 0, साइन 0 0। तो ये कंप्लीट सेटअप जो है 0 इंटू जो 0 से टकराएगा खुद भी 0 हो जाएगा, पूरा सेटअप 0 हो जाएगा। तो हमारे पास रिजल्टेंट जो वर्क डन जो बचेगा वो क्या बचेगा, e नोट i नोट बाय 2 इंटू ये बचेगा t। स्टूडेंट ये तो वर्क डन आ गया, अब मैं क्या करता हूं यहीं से मैं इसको यहां लेके जाऊं, वर्क बाय टी क्या बचेगा, ई नोट आई नोट बाय 2। अब वर्क बाय टाइम होता क्या है, पावर हो जाएगा, इसी को स्टूडेंट में और आगे लिखना चाहो तो पावर को यू लिख सा ई नोट बाय रूट 2 और आई नोट बाय रूट 2, क्योंकि 2 को मैंने रूट 2 इंटू रूट 2 लिखा। ये भी नोटेशन में यहां भी छोड़ सकता हूं, मैं इसको यहां भी छोड़ सकता हूं, या इसी को आप लोग क्या लिखिए, रिजल्ट आ गया आरएमएस वैल्यू का। तो इसका मतलब क्या बन गया, ई आरएमएस इंटू आई आर एम एस, ये भी रिजल्ट बन गया हमारे पास। तो जो पावर रहेगी हमारे पास रेजिस्टेंस की, वो पावर क्या रहेगी हमारे पास, याद रखना है पावर रहेगी ई आर एम एस बाय आई आर एम एस, मीन्स करंट रूट मीन स्क्वेयर इंटू ई एम एफ रूट मीन स्क्वेयर, आपको याद रखना है। तो स्टूडेंट ये हमारा आज का जो टॉपिक था वो था पावर ऑफ द रेजिस्टेंस, अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो नेक्स्ट के अंदर हम लोग पावर ऑफ इंडक्टर, पावर ऑफ कैपेसिटर और पावर ऑफ एलसीआर पढ़ेंगे, बड़ा ही मजेदार कंसेप्ट रहेगा। लेकिन उन तीनों पावर्स के लिए आपको ये टॉपिक आना बहुत जरूरी होता है, आप इसको ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वो टॉपिक के साथ मिलेंगे, थैंक यू।